हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज हम आ गए वापस एक 1v1 में। बहुत टाइम हो गया है, सच बोल रहा हूँ। लास्ट वीडियो 3 महीने पुरानी है। मुझे सच बोल रहा हूँ, वीडियो बनाने की मन ही नहीं कर रहा था। मैं टैब में स्टोरेज का पूरा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। रियली सॉरी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत टाइम हो गया है। एंड देखते हैं, आज हम करने वाले कस्टम एक क्या कह सकते हैं, फेक निंजा, सस्ता निंजा, टट्टा निंजा, क्या चाहिए आप भी रख लो नाम। मुझे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अगर कुछ बोलूँगा तो बहुत लोग अफेंड हो जाएंगे हमारे गिल्ड के। तो अभी हम करने वाले कस्टम इस बंदे के साथ जिसका नाम है किक्की। तो ये बंदा बहुत टाइम से, मतलब ये बंदा बोर हो गया था, इसे कॉन्टेंट चाहिए था। तो इसने कॉन्टेंट के लिए मेरे साथ 1v1 करना चूज़ किया। ओके, तो देखते हैं क्या हम जीत पाते हैं ये कस्टम या हार जाते हैं। पहला राउंड तो डीगल का है। मैं उतना बड़ा डीगल फैन नहीं हूँ ऑनेस्टली, इसलिए देखते हैं। अभी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं इस वक्त डीगल से खेलना। मुझे वन टैप में पूरा इंटरेस्ट नहीं होता। मैं हूँ शुद्ध ड्रैगर, जो भी मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। एंड हाँ, देखते हैं। ये वीडियो में बहुत मेहनत लगी दोस्तों, मतलब पहले तो गेम प्ले रिकॉर्ड करना, एडिटिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी आते हैं फन फैक्ट। इस बंदे ने मुझे वन टैप मारा। मैं सोचा भाई वन क्या खतरनाक प्लेयर, वन टैप पड़ गया मुझे। उसके बाद मैं जब एडिट कर रहा हूँ तब मैंने रियलाइज किया क्या खतरनाक वन टैप मारा है बंदे ने। मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में लगा था ये एक वन टैप है। एंड अभी देखते हैं हम लोग। तो अभी मैंने ले लिया हमेशा की तरह अपना MP5 गॉड बोल के एक वीडियो आने वाला था, लेकिन उसके पहले ही फ्री फायर ने उसे टट्टा बना दिया कभी अपडेट के बाद। हाँ, बहुत खतरनाक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था मैं, लेकिन फ्री फायर को मुझसे नफरत है भाई लोग। ओके, तो दुख के बातें ख़त्म करते हैं। अभी दुख के बातें नहीं करनी हमें। ओके, तो इस बार भी मैं प्लान, मेरे पास एक सिंपल प्लान है कि कोई प्लान नहीं है मेरे पास। मेरे पास एक छोटी स्ट्रैटेजी है, मतलब वो आएगा एयरड्रॉप लूट करना। मैं अभी तो जानता हूँ एयरड्रॉप में, ये सिर्फ अभी सेकंड राउंड है, एयरड्रॉप उतना खतरनाक नहीं होगा। एंड मैंने क्या देखा, उसके पास इस वक्त हाथ में है M18। एंड मेरे पास M18 की कोई स्किन नहीं है। खतरनाक मारा उस बंदे के पास, हैंड ऑफ ओपे मेरे लग गए, मेरी फट गई। मैं कती, मेरे पास स्किन ही नहीं है M18 की, वेस्ट लेवल 3 तक नहीं है मेरे पास भाई। मैं 100% मरा, लेकिन मेरी फट गई थी यार, इसलिए मैंने स्पैम किया। मैं ज़्यादा कभी स्पैम नहीं करता हूँ, कती जल्दी मर जाते हैं लोग, लेकिन इस बार कती फट गई मेरी। बहुत ज़्यादा कती कर रहा हूँ मैं। ओके, अभी आ गया है ये कौन सा मैप पे मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक सेंतोसा। ओके, सेंतोसा से मुझे उतना पसंद नहीं है ये राउंड। मैं सोच रहा हूँ गया, ये तो गया। एंड हाँ, अभी हो रखा है स्कोर 1-1। एंड देखते हैं, अभी मेरा प्लान एक ही है, अभी नया बना है फ्रेश M18 से 2 गोली मारना, उसे लो करना, फिर MP5 से घुसोड़ देना बंदे के अंदर। ओके, वो बंदा दिख गया है मुझे। उसने अभी तक मुझे देखा है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं बिल्कुल भी। एक नाकाम कोशिश उसने देख, 100% देख लिया है मुझे। गंदा मारा भी उस बंदे ने। ओके, तो देखते हैं क्या मैं मार पाऊँगा इसे, मुझे नहीं लगता। एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एयरड्रॉप कहाँ पे। एंड मैं अभी तो नोटिस भी नहीं कर रहा, मैं राउंड 4 के बाद ही एयरड्रॉप के लिए तड़पूंगा। एंड मैं मर गया, मैंने देखा ही नहीं उस बंदे को कहाँ पे है वो बंदा। एंड बाय द वे दोस्तों, हमको मिल गया वीकली पास। हम अभी नूबड़े नहीं है, हमारे पास भी है कुछ बंडल्स। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं वो नो टॉप अप वाला अपलोड करता हूँ ना, मुझे ग्लिच के वजह से 3-3 वीकली पास मिल गए। मैं आई विश कोई मॉडरेटर ना देख लो प्लीज। हाँ, 3-3 वीकली पास। एंड भाई मैं उसके ऊपर नया वीडियो बनाऊँगा, कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट। ओके, एंड फिर से मैंने ले लिया MP5 क्योंकि क्या पूछ रहे हो, क्या सोच रहे हो, MP5 गॉड हूँ मैं। वीडियो भी बनाने वाला था उसके ऊपर, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, फ्री फायर की वीडियो बना रहा हूँ मैं।
अभी कुछ बोलूँगा तो फ्री फायर को गुस्सा आ जाएगा, मुझे अभी मेरी लगी पड़ी है, मुझे डर है वो कहीं से पीछे से आ जाए। मिल गया मुझे AWM, एंड आजकल मैं खतरनाक चला रहा हूँ AWM, मजाक नहीं करूँ आप, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं इस हफ्ते के अंदर अंदर एक वीडियो अपलोड करूँगा अपना गॉड मूव्स वाला, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि आपको पता चले कब मैं अपलोड कर रहा हूँ वो वीडियो। एंड ये शानदार मिस, वाह शानदार, मतलब शानदार मिस, वो बंदा करीब आ रहा है मेरे, मेरी फट रही है, एंड देखते अभी भी उसके पास हैंड ऑफ होप है, मैं इतना देख सकता हूँ, एंड मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास M18 की स्किन नहीं है, इसलिए मैं उससे हेड टू हेड M18 लेके रश मारूंगा ना, मैं 100% लूंगा उसे। तोड़ा तो लोके है, वो सर्कल ले रहा है, बूम स्काइलर की बारी आ गई है, गया। लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार प्लीज, मैं पक्का वीडियो अपलोड करूंगा। एंड मैंने उठा लिया MP40, क्योंकि MP40 भी अच्छी गन है। हाँ सच में मुझे लग रहा है मैंने MP5 को बिट्रे किया है थोड़ा सा, लेकिन मैं वो भी चलाता हूँ ठीक है, मैं SMG गॉड बन सकता हूँ, M.Thompson सही से चलाता हूँ मैं, MP40 सही से चलाता हूँ, MP5 भी, एंड UMP अगर स्किन होती तो वो भी चला लेता, लेकिन हम तो गरीब है। ओके तो भी आ गया है हैंगर, अब तक का सबसे टट्टा एरिया, मुझे नफरत है हैंगर से, क्या कचरा लोकेशन है, कुछ है ही नहीं इस लोकेशन में जो किसी को पसंद है। इस बार मैं एयरड्रॉप की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एयरड्रॉप कुछ अच्छा दे सकते हैं इस बार। एंड हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ ना, मतलब वॉइस ओवर, तब मैं रियलाइज करूँ मुझे ये कर लेना चाहिए AWM, क्या खतरनाक होता भाई। एंड फॉर सम रीज़न मैंने ग्लू वॉल टैप किया, लेकिन ग्लू वॉल लगा नहीं, इस बंदे ने एक इमोट दिखाया, लेकिन टॉन्टिंग वाला थोड़ा सा टॉन्टिंग था मुझे, मैं जब कस्टम करता हूँ कोई भी इमोट देखे मुझे गुस्सा आता है, स्पेशली लॉल, उसने लॉल नहीं दिखाया, अच्छी बात है अच्छी बात है। मैंने लिया AWM एंड MP5, थोड़ा EP एंड मैं हेलमेट लेना भूल गया, मैं 100% ले सकता हूँ हेलमेट, आप देख सकते हो $2,200 है मेरे पास, लेकिन मैं भूल गया। एंड मैं अभी प्लान है यहाँ से थोड़ा ठोकना उसे, उसके सीधा एयरड्रॉप पास, क्योंकि एयरड्रॉप इस वक्त ख़तरनाक हो सकती है। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर इसमें से कार 98 निकला ना एयरड्रॉप से, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मजाक नहीं करो। ओके तो मैं सोच रहा हूँ ये यहाँ से ही आएगा, वो थोड़ा नीचे से चला गया इसलिए मिस हो गया, मैं शूट नहीं कर पाया उसे, दिख गया वो, मैं उसके हेड पे एम कर रहा था, लेकिन आई थिंक वो उसका हेड नहीं था, मुझे नहीं मालूम। एयरड्रॉप आ गया इसलिए देखते हैं, प्लीज़ SVD या M18X, मुझे कार 98 नहीं चाहिए, M18X यानी 3 मुंडा, खतरनाक मुंडा। ओके कुछ भी नहीं निकला, सैड लाइफ, नो प्रॉब्लम। ओके अभी इसे ठोकने मेरा प्लान है, M18 से एक क्या बोलते हैं AWM से एक मारना, फिर MP5 से सीधा घुस जाना, ओल्ड फैशन प्लान। एंड मुझे अभी पता ही नहीं वो कहाँ पे बैठा है बंदा, मैं नीचे झांक रहा हूँ लेकिन मुझे डर है वो ऊपर से कहीं पे कूद जाए मेरे, कहीं कत्ती कहीं और ही बैठा हो, वो दिख गया उसने मुझे नहीं देखा, मैंने नोटिस किया वो कहाँ से आएगा, एंड बूम कत्ती ठोक डाले बंदे को। एंड इस बार मुझे कत्ती, मेरा प्लान ओपी है भाई, मैं क्या बोल रहा था, मेरा प्लान बहुत खतरनाक है। एंड AWM तो सीधा लगती है बंदे को, हेड नहीं लगता तो भी क्या हो, हाँ ओके तो अभी मैंने ले लिया M18, मैं सच में फट रही हूँ उस हैंड ऑफ होप एंड कोबरा के सामने, लेकिन उतना खास प्लेयर था ये, मुझे अभी भी हंसी आ रही है, वो बंदा मेरे साथ 1v1 करना चाहता है अपने कंटेंट के लिए, कोई अपने लेवल का नूबड़ा नहीं मिला क्या इसे। ओके मजाक साइड में, ये गेम प्ले बहुत खतरनाक होने वाला है, देखो अभी, हाँ अभी वो बंदा मेरे तरफ ब्रश मार रहा है, मैं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। एंड आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं आज एक कस्टम किया था मैंने, वो कस्टम वो क्लिप्स में आएगा 100%, उसमें खतरनाक ग्लिच हुआ था, वो अपलोड करता हूँ मैं जल्दी। M18X मिल गया हम लोगों को, एंड भाई साहब मजा आएगा अभी तो, अभी एक सिंपल प्लान है M18X लेके मरना नहीं है भाई, क्या अभी इस M18 को हरा सकता है, फिर वे चीज़ M18X ना, मेरे पास डैमेज अब का स्किन है इसलिए, सिंगल डैमेज अब ओके, इसलिए 160 जा रहे हैं ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये
एंड वो बंदा अभी एयर ड्रॉप लूट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो अभी भी शाइन क्यों कर रहा है। हाँ मैंने उठाया नहीं ना कुछ भी, हाँ उठाया ना मैंने ये वेस्ट लेवल 3 के चक्कर में आ गया बंदा, लॉल मेरा वेस्ट पूरी तरीके से टूटने वाला है एंड मेरे पास वेस्ट रिपेयरर नहीं, मैं गधा हूँ मैं देखता ही नहीं वेस्ट रिपेयरर। एंड भाई क्रोनो, क्रोनो लेके कौन आता है कस्टम में, क्रोनो तो बीआर में भी यूज नहीं करते बंदे, क्या टट्टा कैरेक्टर है क्रोनो भाई, क्या नूवड़ा है ये। लेकिन इतना तो कह सकता हूँ वो किस क्रोनो ने बचा लिया उसे, कितनी टॉन्टिंग होता है वो, मतलब हम हमारे सामने हिल कर है वो एंड हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्या डिप्रेसिंग चीज है। एंड हाँ अभी AWM का नहीं लगा मुझे, वो लगने वाला था भाई, कैसे नहीं लगा मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड वो बंदे MP5 लेके आ रहे हैं, वो मुझे टोंट करना चाहता है भाई, वो टोंट करना चाहता है मुझे भाई, इसे मैं भी धीरे धीरे से जा रहा हूँ क्योंकि इसे मतलब मेरा मोमेंट टट्टे बोल के लगे। एंड ये मुझे समझ नहीं आ रही ये बंदा हील क्यों नहीं कर रहा। हाँ क्रोनो के अंदर बैठ के उसने सारे मेडकिट छुड़ा लिए, वाह वाह मोदी जी वाह। ओके मैंने एक डीगल ले लिया, मुझे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट रिपेयरर भी ले लिया, अभी बस ठीक करते हैं अपना। एंड आई विश अभी एयर ड्रॉप आए एंड उसमें SVD पूरा निकल जाए भाई, मजा आ जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी SVD निकलेगा ही नहीं, मुझे लग रहा है सच में लग रहा है SVD अभी एयर ड्रॉप ही नहीं आएगा, क्योंकि ये हो गया है ना राउंड का, ये नॉर्मल गेम में रैंक्ड में आता है पूरे 7 राउंड, इसमें तो अभी 7 राउंड हो गए ना इसलिए नहीं आएगा, नहीं आ रहे थे। ओके मुझे अभी मैं सच में मुझे लग रहा है ये बंदा अभी कैंपिंग कर रहा है, क्योंकि लास्ट राउंड में वो घर के ऊपर बैठ के कैंप कर रहा था एंड अभी भी ये कैंपिंग ही कर रहा है आई थिंक, लेकिन मुझे धप्पा मारेगा मुझे लग रहा है, डाउट हो रहा है थोड़ा सा। मेरा AWM फॉर सम रीज़न रीलोड हो गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम क्यों। एंड हाँ अभी ये बंदा कहाँ पे बैठा है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है ये, लेकिन छुपा तो है। लेकिन दोस्तों मेरे पास एक प्लान है एंड ये वाला ये खतरनाक सीन है, आपको देखना चाहिए ये बड़ा खतरनाक सीन है। ओके एंड हाँ अभी मैं सच बता रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम लिख के आया हूँ मैं, टेस्ट लिख के आया हूँ, उसके बाद मुझे अभी ज़्यादा फिर से नहीं बैठना था पढ़ने, इसलिए मैं सीधा आ गया रिकॉर्ड करने, ये वॉइस रिकॉर्ड करने भाई साहब, अभी तक थंबनेल तक नहीं बनाया मैंने। ओके एंड मुझे अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, अभी एक प्लान मेरे पास, जैसे थोड़ा सा जोन छोटा होगा तभी करूँगा, जैसे कि अभी ये परफेक्ट सही से जोन के ये करने के लिए, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा आपको समझ आ रहा होगा, ये कैंपर है एक नंबर का नूड़ा। ओके मैंने यूज़ कर दिया UAV लाइट, मुझे इसे दूसरे तरफ नहीं फेंकना है। एंड हाँ मैंने अभी फेंक दिया एंड मुझे लग रहा है वो ऑपोजिट साइड में होगा, लेकिन भाई मेरे बगल में निकला ये तो, एंड मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे ये बंदा, भाई मिल ही नहीं दिख ही नहीं रहे। उसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे अभी तक नहीं दिखा है एक्चुअली, अभी दिखा है एंड वो ऊपर बैठा है, वो बंदा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ईजिएस्ट हेडशॉट था वो, मतलब बराबर ऊपर है वो मेरे, मैं उसके ऐसा नीचे हूँ जैसे कि मतलब ईजिली वो हेड मार सकता है ये। एंड हाँ मुझे सच में लग रहा है ये राउंड तो MAT Next 100% गया, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं इस बंदे ने नोटिस किया है मेरे पास 3 मुंडा है एक्चुअली। हाँ देखते अभी इस राउंड में पता चलेगा, अगर मैं मरता हूँ इस राउंड में तो, एंड उसने नहीं उठाया तो मतलब इससे बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है, मैं तब से MAT Next चला रहा हूँ। हाँ देखते हैं अभी मैं ढूंढने ट्राई करूँ ये बंदे को, क्योंकि ये तो 100% कैंपिंग कर रहा है नूबड़ा। एंड देखते हैं अभी ये यहाँ पे बैठा होगा कहीं पे कोने में, मुझे लग रहा है, मुझे सच में डाउट हो रहा है वो वहाँ पे टनल के एंड में बैठा है, मुझे समझ भी जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो गधा हूँ मुझे अक्कल नहीं है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे नहीं था, मैं उतना बड़ा गधा भी नहीं हूँ। ओके मुझे अभी भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं कहाँ से पड़ी, मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहीं कहीं से पड़ी होगी, हाँ अभी तो 100% यहीं से पड़ी है मुझे। मेरा जॉयस्टिक भी बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहा है, वो जॉयस्टिक ग्लिच क्या अनोइंग है भाई, क्या अनोइंग है। एंड अभी मैं आपको बताऊँगा दुनिया का सबसे प्रो मूवमेंट, देखो भाई आप भी कितनी
बोलोगे इससे खतरनाक मोमेंट क्या है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करना है। मैं जानता हूँ मैं भी नूबड़ा हूँ, मैं आपको बताऊँ मैं इतना ये पूरा जान के कैसे करूँ, मैं वीडियो को पूरा देखता हूँ, मैं अपना सारा वीडियो एक बार देख चुका हूँ, उसके ऊपर ये जो नोट्स लिखे हैं ना मैंने ये वीडियो के ऊपर वो मुझे नीचे दिखाते हैं, अभी ये लिखाने वाला है, ये लिखाने वाला है, उसके वजह से मैं बता रहा हूँ अरे यहाँ पे अभी ये होने वाला है। मैंने अपना एडिटिंग एक्सपोज कर दिया है, नो प्रॉब्लम, ओके। एंड मुझे सच में लग रहा है M18 का तो अभी RIP होगा, मेरे हाथ में गलत गन आ गया। एंड M18X9 का डैम 6 का डैमेज, भाई 6 का डैमेज कोई देता है M18X? भाई क्या है यार। एंड उस नूबड़े ने देखा तक नहीं है, उस नूबड़े ने देखा भी नहीं, वो खाली अपना बदसूरत शक्ल दिखाने बैठ गया, उसने M18X देखने का तक ये हम नहीं देखा। भाई मैं यूफ के हो गया थोड़ा टाइम, मेरा खतरनाक स्कैम चल रहा था घर में, कुछ बाढ़क आ गए थे, ओके। मैंने ले लिया M18 क्योंकि अब तो मुझे पता चल गया M18 क्या खतरनाक चलता है भाई मेरे हाथों। मैं तो खाली पीली सोचता था मैं तो MP5 गॉड ही है, फिर भी जस्ट इन केस लेते हैं थोड़ा MP5, जस्ट इन केस लेते हैं थोड़ा MP5। एंड दोस्तों आई एम रियली सॉरी, अभी थोड़ा सा ऑडियो ग्लिच हुआ होगा, वो मैंने थोड़ा हक दिया हुआ, और मैंने थोड़ा हक दिया सर बोलो, मैं एडिटिंग करते वक्त कुछ अलग ही कांड कर दिया मैंने, बीच में एक अलग ही ये कर दिया मैंने, ये ग्लिच कर दिया ऑडियो का, इसलिए मुझे पूरा अलग ही करना पड़ा। अभी बताता हूँ मैं MP5 गॉड किसे बोलते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। एंड उस बंदे ने इमोट दिखाया था इसलिए मुझे इमोट का बदला दिखाना पड़ा, नोराक डैम में नहीं कहीं पे तो दिखाया तो मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे याद नहीं आ रहा, खाली इतना याद है भाई मुझे इमोट दिखाना था। एंड वो ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट देते हैं, ओके। अभी आ गया क्लॉक टावर, मुझे नफरत है इस मैप से, लेकिन देखते हैं इस बार एंड में तो इसी मैप में ख़त्म करना है सब कुछ। इस बंदे के 6 किल्स 4 किल्स, लॉल सच में लॉल भाई, ओके। अभी मैं सोच रहा हूँ खतरनाक उड़ाना है यार इस बंदे को, तो खतरनाक उड़ाना है। मैं सच बता रहा हूँ ये एंडिंग बड़ी अनएक्सपेक्टेड है, आप भी बोलोगे इतना सब कुछ करके सच में, ओके। एंड अभी तक ये बंदा मुझे कहीं पे दिखा नहीं है, ये बंदा सच में क्या कैंपर है, मैं सच बोल रहा हूँ अभी तक मैंने सोचा नहीं ये ब्रिज के नीचे हो सकता है ये, वो मुझ में अक्ल नहीं इसलिए। एंड अचानक से मैंने फायरिंग सुनी कहीं से, तो मैंने उसकी M18 रीलोड होती हुई देखी, एंड भाई रीलोड होती हुई देखी मैंने। एंड अभी तक मैं सोच रहा हूँ रश मारना पड़ेगा, अभी तो रश मारना ही पड़ेगा इस बंदे के ऊपर। उसके बाद मैं देखता हूँ ऊपर ग्लू वॉल लगा है, भाई क्या कैंपर है ये। एंड हाँ मैं ये एडिटिंग में भी थोड़ा सा गिर गया। एंड भाई मुझे अभी नोटिफिकेशन आने हैं डिस्कॉर्ड में किसी के, तो शैडो क्राफ्टर मैसेज क्यों कर रहे हो आप, प्लीज़ मुझे चेन से एडिट करने दो। मैं अभी ऊपर से झांकने ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो दिखता है तो। मैं सच बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल लगाया क्योंकि मुझे डर था वो कहीं से पीट देगा मुझे। एंड उसने ग्लू वॉल हटा दिया अनएक्सपेक्टेड, ओके। तो हाँ अभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ये छत के ऊपर तो बैठना ही है ना, बोल के मैं गलती से गिर गया छत के ऊपर से नीचे गिर गया। एंड मैंने ग्लू वॉल क्यों लगाया, हील करने के लिए, ओके स्काइलर है मेरे पास याद रखो। एंड मैं देखता हूँ ये बंदा विंडो के थ्रू कूद गया, क्या नूबड़ा है ये सच बता रहा हूँ। मुझे सच में लग रहा था ये बंदा इस ग्लू वॉल के पीछे, लेकिन नहीं फिर से ऊपर चढ़ गया नूबड़ा क्या। एंड भाई जो ये इस बंदे ने ऐसे ग्लू वॉल क्यों लगाया, ग्लिच यूज करना चाहता है, एक सच बता रहा हूँ एक ग्लिच है जिससे मतलब अगर आप किसी बिल्डिंग के एकदम एज में खड़े हो एंड कोई ग्लू वॉल इस तरीके से लगाता है जो कि परफेक्टली लाइन होता है तो लगता है। एंड हाँ मैं मर गया, मैं सच में मर गया, 100% गया मैं भाई, बचने का चांस ही नहीं है मेरा, बचने का चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, गया मैं। अरे लेकिन हील हो चुका हूँ मैं, वो बात भी है भाई। ये मरा कैसे नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, वो मरा कैसे नहीं, क्या खतरनाक खेलता वो, मरा कैसे नहीं ये बंदा भाई, ये मरा कैसे नहीं, कोई बताएगा मुझे। मुझे इसके बारे में बात नहीं करना। दोस्तों लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, मुझे शैडो राफ्टर मैसेज कर करके मेरा दिमाग खराब करें।
bye bye.